फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। कोरोना ने जैसे सिस्टम व रिश्तों, संवेदना और मानवता को आईना दिखा दिया है, कहीं गंगा व यमुना में शव बहाए जा रहे हैं और उन्हें आवारा जानवर नोच रहे हैं, एक नई परंपरा बनाते हुए गंगा किनारे शव दफना दिए गए। सवाल उठे तो हिंदुओं की कब्रों पर पड़ी चुनरी तक खींच ली गई। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.TV। अब यूपी के महोबा से जो घटना सामने आ रही है, उसने एक बार फिर से संपूर्ण सिस्टम की नाकामी, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और बेशर्मी की प्रकाष्ठा को सामने लाकर पटक दिया है। यहां एक शव को पोस्टमार्टम हाउस तक और पोस्टमार्टम हाउस से शमशान घाट तक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में ढोया गया। इस शव को कूड़ा गाड़ी में आवारा जानवर की तरह उठाकर फेंका ही जा रहा था, लेकिन कैमरा देख पुलिस को शव पर थोड़ा रहम आ गया और उसे फिर से फेंकने की बजाय रखा गया। जिस व्यक्ति के शव की यह दुर्दशा की गई, उसकी पहचान महोबा के कस्बा खरेला के मोहल्ला स्वामीदास निवासी रामकरण कुशवाहा है। शुक्रवार को अधिक खांसी होने पर उन्हें उनका बेटा जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका निधन हो गया। सूचना पुलिस को दी तो वह पंचनामा भरने व शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाने के लिए पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने नगर पंचायत खरेला की कचरा गाड़ी में शव डालकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया। उसी गाड़ी से शव लाकर नगर पंचायत के सहयोग से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर से मानवता व इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। फिलहाल इस घटना की जांच के आदेश पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। यूपी सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट केवल उन जिलों पर लागू होगी जहां एक्टिव केस की संख्या 600 से कम है। मेरठ, लखनऊ समेत 20 जिलों में एक्टिव केसों की संख्या अधिक होने के कारण अभी फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। लिहाजा घर पर रहें और सेफ रहें। देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।